टाइपकास्ट से कभी डर लगता था आपको या इजी था? आज भी लगता है, लड़की छोड़ के गई तो फिर वही सब आने लग जाते हैं। अरे लड़की छोड़ के जाने वाला तो उसी से करवाते हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि डिफेंस में जाना है? जी हाँ, मैंने पहला अटेम्प्ट डिफेंस के लिए ही किया था, मैंने एग्जाम्स दिए थे। एंड आई लाइक टू पुश माई सेल्फ, डू डिफरेंट थिंग्स। अगर इसे कोई मुझसे पूछेगा तो आई वुड लव टू डू समथिंग दैट्स वेरी साइकोलॉजिकल नेक्स्ट। तो ये साल जो 2000 था ना, वो कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट था। जैसे आपने कहा एक टर्निंग पॉइंट है, वहाँ से कम मेरे लिए तो फिलहाल यू नो इट्स अ हाईलाइट ऑफ माय लाइफ। जिंदगी एक तरीके से शुरू हुई 21 साल की उम्र में। मेरी एंगेजमेंट भी हुई थी 2000 में, मोहब्बतें भी आई। वी कैन नॉट बी अ म्यूट स्पेक्टेटर नाउ, दे ट्राई टू अटैक अस डायरेक्टली। हमें सिर्फ उन्हें डराना है कि हम अटैक कर सकते हैं। इन पे वी डोंट वांट वॉर इन इंग्लिश एंड उर्दू। अपलोड करो और ट्रेंड करवाओ। हाय लारा दत्ता भूपति और जिमी शेगल, आप दोनों का बीबीसी हिंदी में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। सबसे पहले बात करते हैं रणनीति की, बालाकोट एंड बियॉन्ड। ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है और काफी ज्यादा ट्रेंडिंग भी है क्योंकि इसके बारे में सब जानते हैं, बट मैं जानना चाहती हूँ कि पर्दे के पीछे की जो कहानी होती है वो इसमें बहुत अच्छे तरीके से दिखाया जाने वाला है, उसके बारे में अगर आप थोड़ी रोशनी डाल सकें। बेसिकली ये इवेंट्स जो हैं ये हम सबके जहन में बहुत फ्रेश हैं जी, हमें याद है क्या हुआ था क्या नहीं, मगर हम लोगों को इसके बारे में पता उतना ही है जितना हमने न्यूज़ चैनल्स पे देखा या न्यूज़ में पढ़ा या जो भी है। बिहाइंड द सीन्स एक्चुअली क्या हुआ था वो सारा कुछ जो है इसके अंदर दिखाया गया है और वही इस सीरीज को अलग करता है दूसरी कहानियों से। जब आपको पता चला कि आप इसका इस ऐसे चीज का हिस्सा होने वाले हैं जो कहीं ना कहीं हिस्ट्री रही है हमारे साथ, तो आप किस तरह से अपने आप को तैयार कर पाए? रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि एक ऑफ कोर्स ये एक रियल इंसिडेंट पे बन रही है, एंड तो आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एक्टर दैट फॉर यू इज द जॉय, इज द चैलेंज कि आप इस चीज को किस तरीके से यू नो अपने कैरेक्टर को किस तरीके से बनाए पोर्ट्रे करे स्क्रीन पे। एंड फॉर मी फाइनली एज एन एक्टर दैट्स व्हाट गिव्स मी द जॉय टुडे कि मैं अपने आप को किस तरीके से चैलेंज करूं, एंड दैट्स व्हाट ड्राइव्स मी। जिमी, आपने हमेशा अपने किरदारों में एक नया पन हमेशा लाए हैं, आप इतने सालों से हम आपको देख रहे हैं और हर बार हमें किरदार में कुछ नया बनाता है, मतलब जिमी शेरगिल की जगह जो भी किरदार आप निभा रहे हो, फिर वो चाहे तनु वर्स मनु के किरदार की बात हो या अलग अलग किरदार हो या हासिल जैसी फिल्में जब हम उस दौर पे देखते आए थे, आप इतने सालों में किस तरह से अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, किस तरह से रहता है? बस लगे रहते हैं, लोग कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढते रहते हैं जिससे कुछ जिसे करने में मजा आए, जिससे कुछ अलग करने को मिले। कभी कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। इस केस में मिला और बहुत मजा आया करने में। बचपन में हर किसी का एक सपना होता है कि एक होता है ना विश लिस्ट में डॉक्टर बनेंगे, कभी ये बनेंगे, तो आप लोगों का था कभी कि डिफेंस में जाना है? मैं तो डिफेंस फैमिली की yes, हूं, तो आपकी सिस्टर आई थिंक पायलट है, मेरे फादर पायलट है, फोर्स के हैं, मेरे ग्रैंडफादर पायलट है, मेरी बहन पायलट है। तो जब मैं छोटी थी तो ऑब्वियसली तब मैं पायलट नहीं बोल सकती थी, तो मुझे ऑमलेट बनना था क्योंकि मुँह से वो निकलता था, लेकिन थैंक गॉड उसके ऊपर से थोड़ी मैंने सोची, थोड़ा सा एस्पायर किया, ऑमलेट बने नहीं, थोड़ा कुछ बन गया जिंदगी में। आपका क्या, आपने कभी सोचा था कि डिफेंस में जाना है? जी हाँ, मैंने पहला अटेम्प्ट डिफेंस के लिए ही किया था, मैंने एग्जाम्स दिए थे, बट हमारे टाइम में 90% ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम द पब्लिक स्कूल्स वांटेड टू गेट इनटू आर्मी, सो कट ऑफ बहुत हाई था और उसमें हम रह गए दौड़ में पीछे। साल 2000 की बात करें तो ये साल आप दोनों के लिए इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक मोहब्बतें 2000 साल में आई थी, इवन आप मिस यूनिवर्स बनी थी और आज आप दोनों के साथ इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ये साल जो 2000 था ना, वो कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट था, किस तरह से याद करते हैं आप? जैसे आपने कहा एक टर्निंग पॉइंट है, वहाँ से कम मेरे लिए तो फिलहाल यू नो इट्स अ हाईलाइट ऑफ माय लाइफ। जिंदगी एक तरीके से शुरू हुई 21 साल की उम्र में इन 2000, एंड इट्स बीन अ ग्रेट राइड। 2000 में मेरी एंगेजमेंट भी हुई थी, 2000 में मोहब्बतें भी आई, स्पेशल था वो साल। जब आपने शुरुआत की थी तो वैसे रोमांटिक हीरो के तौर पे, और इसके बाद सब कह रहे थे कि ये तो बहुत चॉकलेटी हीरो दिखता है और ये बहुत अच्छी रोमांटिक फिल्मों में नजर आता है, लेकिन आपने उसको तोड़ा हासिल से और उसके बाद अलग अलग फिल्मों से, यहाँ जैसी फिल्में की अपने करियर के स्टार्टिंग में ही, मुझे लगा बहुत ज्यादा जल्दी ब्रेक कर दिया था, उसको थोड़ा और मजे लेना चाहिए था, उसके बाद ब्रेक करना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। आज when I look back at it, I think I did the right thing at that point of time. लारा, जिस तरह से
अपनी फिल्मों में अलग अलग कॉमेडी भी की है, हमने अलग अलग अंदाज में आपको देखा है, स्टार्टिंग रोमांटिक एक्ट्रेस के तौर से लेकर उसके बाद अलग अलग पीएम जैसा किरदार, इस तरह के किरदार निभाना, तो टाइपकास्ट से आपने अपने आप को कैसे बचाया और कितना मुश्किल रहता है या आसान रहता है आपके लिए अगर कोई काम पसंद नहीं आया उसको ना कहना? मेरे लिए मुश्किल नहीं है ना कहना, मैंने अपने आप को सिखा दिया है काफ़ी, मतलब बहुत ही पहले इंडस्ट्री में मैंने अपने आप को सिखा दिया कि अगर मुझे कुछ पसंद ना आए या मुझे सेटअप पसंद ना आए तो ना बोलें और थैंक यू बोल के निकल जाएं। बट आई थिंक जब मैं कॉमेडी करना मैंने शुरू किया था तो मैंने बहुत सोच समझ के किया था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू वेयर अवे ये जो हमेशा सिर्फ एक ग्लैमरस नज़रिए से लोग यू नो आपको देखते थे, आई वॉन्ट टू मूव अवे फ्रॉम दैट। तो कॉमेडी गेव मी दैट लिबर्टी कि मैं गूफी भी बन सकती हूँ या कुछ यू नो ऐसा, और मेरी खुश नसीबी थी कि उस वक्त मेरे कंटेम्प्रेरीज ऐसा कोई था नहीं जो कॉमेडी कर रहे थे, एटलीस्ट नॉट वेयर द गर्ल्स वर कंसर्न्ड। सो आई हैड अ ग्रेट रन विद कॉमेडी। कई बार ऐसा होता है कि किरदार छोटे हो, फिर वो चाहे मुन्ना भाई MBBS में हो, लेकिन वो किरदार लोगों के जहन में छप गए। जी, जी, तो वो कभी आपको भी कहने को सुनने को मिलता है कि अरे यार ये फिल्म क्यों कर रहे हो, इसमें तो छोटा रोल है? जिस टाइम पे मैंने वो शुरू की थी करनी उस टाइम पे बहुत ज्यादा सुनने को मिलता था, अब तो सभी लोग कर रहे हैं, सब लोग कर लेते हैं किसी फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस, ये वो सारा कुछ, अब ये नॉर्मल हो गया है। प्रॉब्लम तब आती है जब 3-4 फिल्मों में आपने किसी कोई एक फिल्म आपने दोस्ती के लिए की हो, एक फिल्म आपने ऐसी मजे के लिए की हो, 3-4 आपने साल भर में कर दी, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो चारों पांचों एक साथ रिलीज होती हैं ठा करके, तो फिर वो बात बन जाती है अरे यार ये तो गेस्ट अपीयरेंस ही कर रहा है आजकल और कुछ नहीं कर रहा है, तो वो थोड़ी दिक्कत वाली चीज़ होती है। 25 तारीख को ये रिलीज होने वाली है और इतने सालों से जिस तरह से आप दिल से और पूरी शिद्दत से एंटरटेन करते आ रहे हैं और इस शो के बाद से और ज्यादा लोगों की उम्मीदें बढ़ने वाली हैं आप लोगों से, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।